आज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। चलिए देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट वैसे तो होता है, इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से लिखते हैं, आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में टी, आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में टी। और इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट होता है आपको एम्पियर। ठीक है, इसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आप जानते हो, आप लोग पहले पढ़ चुके हो। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो ये है आपका करंट का डेफिनेशन कि इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन में टाइम। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर इक्वल होता है कूलम अपॉन सेकंड के इक्वल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन कहाँ होता है इलेक्ट्रिक करंट का? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कन्वेंशनल करंट कहेंगे। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। ये होता है आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव। पिछले क्लास में आपने उन्होंने सीखा था कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो ये जो होता है कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन्स अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मतलब जो करंट सॉरी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट का फ्लो। चलिए अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको ज़रा ये कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों होता है। तो मैं आपको एक यहाँ पे इधर देखते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं, मेटालिक वायर लेते हैं। ठीक है, एक मेटालिक वायर लेते हैं हम, और मेटालिक वायर आप लोग मेटल्स के बारे में पहले भी पढ़ा है आपने कि मेटल्स जो होते हैं एलिमेंट होते हैं, और एलिमेंट में क्या होते हैं एटम्स होते हैं, और एटम्स में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो हैं एटम्स हैं, इसमें इस मेटल के एटम्स हैं, ये बड़े बड़े हैं, और मैं इसमें इनके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स छोटे छोटे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें रैंडमली मूव करते हैं। इसे हमने मान लीजिए ये मेटल है, और मेटल जो है एलिमेंट है, और एक तरह से ये मैटर है, और मैटर आपने पढ़ा होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, और मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं। तो इस मेटेलिक वायर का जो पार्टिकल होगा वो एटम होगा, और एटम को भी अभी सब डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स ये दोनों आपस में क्या होते हैं मूव करते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जब क्या करेंगे हम, पहले ये नॉर्मल था, दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में क्या होगा कि जब हम इसे किसी बैटरी सोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करेंगे,
ठीक है। तो किसी पोटेंशियल से या बैटरी से कनेक्ट करेंगे इसे हम, तब क्या, ये वाला प्लस टर्मिनल है, ये वाला माइनस टर्मिनल है, मीन्स ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। चलिए ठीक है। तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे बस, ऐसे ही अपनी जगह पे ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे। हमने इसे यहाँ से पोटेंशियल पीडी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे हम। हमने यहाँ से इसे पोटेंशियल दिया, ठीक है, किसी बैटरी सोर्स से। तब हमने क्या देखा है कि देखिए अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, एटम्स नहीं बना रहा हूँ इसमें, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इनमें क्या आया, मोशन आया, ठीक है, इनमें क्या आया, मोशन आया, क्योंकि इनको यहाँ से पोटेंशियल मिल रहा है, इधर से पोटेंशियल मिल रहा है। तो जब इनको पोटेंशियल, अब क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स, अब इसमें से क्या होगा कि चार्ज का फ्लो होगा इधर से, एक इधर भी होगा। तो जब चार्ज का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, अब देखिए क्या होगा, या तो ये दूसरा केस है कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होते हैं, इसमें मूव कर रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे थे, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है ये और ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हो कि नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव टर्मिनल के पास जाएगा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन क्यों होगा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी ये नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो रिपल्सन का मतलब ये हुआ कि ये जो टर्मिनल है नेगेटिव वाला, ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब रिपल्सन फोर्स अगर अपनी तरफ लगाता तो उसे अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, लेकिन ये अपने से दूर फेंक रहा है इनको, तो ये हो गया रिपल्सन फोर्स, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब ये इधर आएंगे, अब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अब ये इधर जाने की वजह इधर आएंगे, ठीक है, और इधर आएंगे ये, तो ये इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, आपको इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण सारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अब इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन मीन्स क्या हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया, और करंट का फ्लो क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये किसका फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, पहले हमने पढ़ा है कि करंट जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट का फ्लो है, इसका मतलब ये हुआ कि दिए हुए टाइम पे उस कंडक्टर से, उस वायर से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करंट जो है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज़्यादा कर हम चार्ज का फ्लो कराएंगे, मीन्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराएंगे, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने की वजह से क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने में समय ज़्यादा लगता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में समय ज़्यादा लगता है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। दूसरी बात, यहाँ पे SI यूनिट इसका एम्पियर होता है, इसके बारे में अभी थोड़ा बाद में बात करते हैं, पहले देखते हैं ये स्केलर क्वांटिटी लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी लिखा हुआ है। अब स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है,
स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड के मीनिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए करंट मैंने बोल दिया आपको कि 5 एम्पियर करंट है, ये 5 इज मैग्नीट्यूड, एम्पियर इसका यूनिट होता है, ठीक है, 5 मैग्नीट्यूड होता है और एम्पियर इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो नंबर्स जितने होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं। तो इस करंट में कोई, वैसे स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम करंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और करंट में ये लिखा हुआ है कि जो डायरेक्शन होता है करंट का पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ करंट के डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया गया है, बताया गया है कि करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ बताया गया है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, मीन्स करंट का डायरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, और फिर भी यहाँ लिखा हुआ है कि ये करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्या बात है ऐसी। तो अब स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, ठीक है। तो अब ये हम देखते हैं कि करंट जो है स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ठीक है। तो देखिए करंट जो होता है I इक्वल टू होता है Q अपॉन में T, ठीक है। अब जो Q होता है आपका चार्ज, ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, और टाइम भी क्या होता है स्केलर होता है। 10th क्लास में तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बाकी 11th क्लास में जाओगे तो वो अलग कंसेप्ट आता है, ट्रायंगल रूल आता है, वेक्टर स्केलर चैप्टर है उसमें पढ़ोगे आप, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको यही समझना है, क्योंकि अगर वो बताया जाएगा तो वो आपको समझ से बाहर होगा। तो करंट जो है चार्ज अपॉन टाइम होता है, चार्ज क्या है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर विल बी स्केलर, मतलब स्केलर को स्केलर से डिवाइड करते हैं तो स्केलर आता है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे 9th में आपने पढ़ा है ना स्पीड, स्पीड पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो ये जो होता है स्केलर होता है, ठीक है, और डिस्टेंस जो है ये भी स्केलर होता है और टाइम भी क्या है स्केलर है, मीन्स स्केलर अपॉन स्केलर गिव्स स्केलर, मतलब स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी क्या आएगी स्केलर ही आएगी। सो द करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए करंट क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि एम्पियर इसका ऐसा ही यूनिट होता है एम्पियर, जैसे आपने पिछले क्लास में 1 कूलम्ब पढ़ा था वैसे ही 1 एम्पियर के बारे में पढ़ना है हमें। छोटी क्लास में आपने 1 जूल, 1 न्यूटन, 1 वाट ये सब पढ़ा है, तो 1 एम्पियर पढ़ना है हमें। तो 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ, 1 एम्पियर का मतलब हो गया कि 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकेंड के लिए किसी भी कंडक्टर से फ्लो कराया जाए, 1 कूलम्ब का चार्ज किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराया जाए तो जो करंट की वैल्यू आती है दैट इज 1 एम्पियर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ करंट, या ऐसे करेंगे वन कूलम्ब ऑफ चार्ज इज फ्लोन थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड द वैल्यू ऑफ करंट इज, द वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। करंट की वैल्यू क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। मतलब ये हुआ कि 1 कूलम्ब का चार्ज किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराएंगे तो क्या कहलाएगा, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर कहलाएगी। अच्छा करंट जो है, करंट इज मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट
करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर, उसे हम एमीटर कहते हैं। मतलब करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम एमीटर कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। एमीटर का जो सिंबल होता है ऐसे होता है ए, ठीक है, प्लस माइनस का। अच्छा, एमीटर जो होता है, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट होता है। अब क्यों होता है कनेक्ट सीरीज में, बिकॉज ऑफ इट्स लो रेजिस्टेंस। एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए हम एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज कनेक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे कनेक्ट है, यहाँ पे एक दूसरे से एंड टू एंड अगर ऐसे कनेक्टेड है तो उसे हम सीरीज कहते हैं। ये इससे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, उसे हम सीरीज कहते हैं। हम बाद में हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था आपके करंट के बारे में इतनी सारी चीज़ें।